नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में विराट कोहली की आरसीबी को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, तीन विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप आरसीबी को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि आरसीबी आईपीएल 2020 की चैंपियन बने, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी 2008 में टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद ही इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी को उठाने में नाकाम रही टीमों में से एक है। और दोस्तों, फ्रेंचाइजी के तीन बार प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने के करीब पहुंची। 2009 में फाइनल हार गई थी डेक्कन चार्जर्स के सामने, 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने और 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। नीलामी में टीम के प्रदर्शन और टूर्नामेंट के निर्माण में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आसपास बहुत अधिक प्रशंसक किराया और आशावाद के बावजूद यह कहना सुरक्षित है कि आरसीबी अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा है, न कि अधिक बार पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसके बावजूद इस बार ये टीम अच्छा कर सकती है क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को बदल सकती है और ऑक्शन में अच्छे खिलाड़ी खरीद सकती है। आईपीएल 2020 का खिताब जीतने के लिए उनको कुछ विदेशी खिलाड़ियों पर अच्छा दाव लगाना होगा। और दोस्तों, इसके लिए तीन खिलाड़ियों को आरसीबी रिलीज कर सकती है। तो पहले खिलाड़ी है हेनरिक क्लासन। दोस्तों, तीन मैच खेले थे 2019 में और 9 रन बनाए थे और उच्चतम स्कोर 6 रन रहा था। दोस्तों, हेनरिक क्लासन आरसीबी 2019 में चुने गए थे और सीजन में कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए ये सीजन निराशाजनक रहा था, जो आमतौर पर बेंच को गर्म करते हुए दिखे थे। उन्हें मिले कुछ इनिंग उसमें वो अच्छा नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनको रिलीज कर सकती है आरसीबी। दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी है टीम साउथी। टीम साउथी ने तीन मैच खेले थे, एक विकेट लिया था और इकोनॉमी 13 की रही थी। तो दोस्तों, आरसीबी निश्चित रूप से एक विदेशी तेज गेंदबाज को उनके बजाय टूथलेस अटैक से जोड़ना चाहेगी। डेल स्टेन, जिन्होंने नेथन कुल्टर नायल को जगह ली थी, दो मैचों में 4 विकेट चटकाए थे, जिसमें उन्होंने खुद को प्रतियोगिता से बाहर रखा था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल के साथ हरकत में आने के लिए आरसीबी साउथी को रिलीज करने की संभावना है, जो आईपीएल नीलामी 2020 से पहले उनके लिए देने में विफल रहा है। दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी है मार्कस टॉइनिस। मार्कस टॉइनिस ने 10 मैच खेले हैं, 211 रन बनाए हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 46 रन और 2 विकेट चटकाए हैं और इकोनॉमी रही है 8.70 की। दोस्तों, मार्कस टॉइनिस ने बहुत उम्मीद की जा रही थी क्योंकि वह आईपीएल 2019 से पहले मनदीप सिंह के लिए किंग्स इलेवन पंजाब से आए थे और टॉइनिस ने उन्हें अधिकांश अवसरों को बनाने में नाकाम रहे थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।